नमस्कार किसान भाइयों, हम इस समय देहरादून में हैं। यहाँ पर टॉप क्वालिटी के नस्ल का एक शो करवाया गया है। पूरे इंडिया में से अच्छे जानवरों को यहाँ पर बुलाया गया है और इस वीडियो में हम आपको एक टॉप क्वालिटी का कटड़ा दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही छोटी आयु का कटड़ा है और बहुत बढ़िया उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आओ किसान वीरों, शुरू करते हैं। संदोप धर्म सिंह, गांव बिंडावास, जिला झज्जर, हरियाणा से मैं हूं। इसकी एज 21 महीने। आप किस कंपटीशन में आप इसे लेकर आए हो आज? मैं आज यहां पर जो शो था उसके अंदर लेकर गया। पहले तो चैंपियनशिप बता रहे थे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि शो है, चैंपियनशिप नहीं है। आप शो है इसकी, और कितना वेट हो चुका होगा? इसकी 21 महीने एज है। वेट कितना गेन? वेट लगभग 6 क्विंटल है। और इसकी ब्लड लाइन कौन सी है सर? इसकी मुर्रा हीरा उससे है। इसकी जो माँ है उसका कितना दूध रहा है सर? उसका 24 किलो 920 ग्राम दूध है। दूध रिकॉर्ड है सर? बिल्कुल सर। आप जब ये पैदा हुआ था तब इसे कितना दूध दे रहे थे एक महीने तक, और आप कितना दे रहे हो? जब से ये पैदा हुआ है, जब से इसने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। आप कितना क्या डाइट दे रहे हो सर इसे? अभी तो इसको खल है, बिंदोला है, चावल है और भूसा वगैरह है, तेल है, घी वगैरह है, लेवटीएस विटामिन की जो टेबलेटें हैं वो साथ साथ में रूटीन में चलती रहे। इसको सुबह डेली रूटीन में 4 से 5 किलोमीटर वॉक करा कर जाते हैं। सर आपने कहीं से परचेज किया था या घर में इसको तैयार किया? नहीं, घर में ही इसको तैयार किया था। मेरा लड़का खुद NDDP के अंदर डॉक्टर है, उसने ये हीराबुल का सिमन लिया था और वहाँ से इसका डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज करवाते हो। उसी का सिमन आपने क्यों चूज किया? बहुत सारे और भी नामवर बुल हैं इंडिया में। हीराबुल है, उसके अंदर क्या है, उसकी लेंथ हाइट और पूंछ की ग्रोथ काफ़ी है, और उसकी माँ जो लक्ष्मी है जो 25 लाख की बिक्री हुई थी वो इसी उसमें थी, तो उसी के अनुसार मेरी भी भैंस की हाइट इसी उसमें थी। सर आपके पास और कितने पशु हैं? मेरे पास और 2 पशु। दो ही पशु हैं सर? हाँ। सर आपने क्या सोचकर इसे अच्छा बुल बनाने की जो निश्चय लिया, निर्णय क्यों लिया सर आपने? मैंने ये प्रदर्शनी के अंदर देखते हुए मेरा भी दिल किया कि मैं भी एक इस तरह का बुल तैयार करूं और अपने किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दूं, ताकि इस तरह लोग उजागर हों और इस तरह का काम शुरू करें। और सर घर में रहने के लिए जब ये आपके फार्म में है तो बांध कर रखते हो या खुला रखते हो? नहीं, बांध करके रखते हैं, क्योंकि और भी साथ में भैंसे हैं तो इसलिए इसको बांध करके रखते हैं। लेकिन बांधने की इसकी वो है कि चारों तरफ कहीं भी ये घूम सके। ओके सर, आपने क्या इसमें विशेषताएं क्या देखी जो आपने सोचा कि हमने इसे एक शो के लिए तैयार करना है बुल को? इसके जो सींगों का है ये बहुत अच्छा है, शरीर की बनावट बहुत अच्छी है सींगों की, बाकी पैरों की है वो है, पूंछ की जो लेंथ है वो काफ़ी है, बिल्कुल हूबहू हीरा बुल के ऊपर अपनी माँ के ऊपर गया है। जो मेरा बेटा है वो NDDP के अंदर है, उसकी भी तमन्ना थी और मेरा भी ये रुझान था, तो उस अनुसार मैंने इसको तैयार किया है। थैंक यू सर। किसान भाइयों, अगर आप ऐसे ही शानदार पशुओं की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास लगे घंटी के बटन को भी दबाएँ ताकि हर वीडियो टाइम पर पहुँच पाए। धन्यवाद मित्रों।